हेलो एवरीवन, सो आज हमारा डे 3 है जहाँ पर हम लेग्स एंड ट्राइसेप्स करने वाले हैं। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में दिवाली भी आ गई थी एंड जिस वजह से इस वीडियो में डिले हो गया। स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो आज का। वर्कआउट में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको अपने वार्म अप स्ट्रेचिंग पर ध्यान देना है। चाहे आप लेग्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वार्म अप पूरी बॉडी का लेना है अच्छे तरीके से, जिससे आपको ज़रा भी इंजरी के चांसेस ना रहे। अच्छे तरीके से लेग्स का वार्म अप करना है आपको, पूरा स्ट्रेच, एंड साथ ही साथ आप अपर बॉडी का भी करेंगे। वार्म अप के लिए आप ये फ्री स्क्वाट्स भी कर सकते हैं लेग्स में। तो हमारे वार्म अप के बाद आते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। अगर आपके यहाँ पर स्क्वाट रैक है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे यहाँ पर स्क्वाट रैक नहीं है तो मुझे ऐसे वेट ऊपर रखवाना पड़ता है, जिस वजह से कई बार मैं ज़्यादा हैवी नहीं जा पाता। सो इस तरीके से आपको वेटेड स्क्वाट्स करने हैं। आप स्मिथ मशीन पर भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर स्क्वाट रैक नहीं है, बट मैं प्रेफर करता हूँ हमारा वेटेड स्क्वाट, ये फ्री रहता है। जो आप फॉर्म पे ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर आपको इस पर हैवी लिफ्ट करना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जब नीचे जाने वाले हों तो पहले अपनी सांस भर लें और फिर पूरा नीचे जाकर ऊपर आते वक्त आप सांस छोड़ें, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और अच्छी होगी, आप अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे इसे। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं हम, हमारी लेग प्रेस। ये मशीन हर जिम में अवेलेबल रहती है, बट इसको कई बार लोगों का करने का तरीका गलत होता है। मेरे लेग्स का पोजिशन देख लें कि मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। कई लोग बहुत बहुत पास में रख लेते हैं, कई बार लोग अपनी नी से उठा रहे होते हैं। ये देखिए मैं जिस तरीके से उठा रहा हूँ इसी तरीके से आपको लिफ्ट करना है। ये देखिए जितना प्यारा आपका फॉर्म रहेगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा आपके मसल्स पे प्रेशर आएगा और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वेट उतना ही उठाएं जितना आप अच्छी फॉर्म के साथ में उठा पा रहे हैं। स्क्वाट्स के 3 सेट्स रहेंगे आपके, 12 to 15 रिपीटेशंस के, एंड लेग प्रेसेस के भी आपके 3 सेट्स रहेंगे 12 to 15 रिपीटेशंस के। वेट हर बार आपको बढ़ाना है इसमें। यहाँ पर आते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज हमारी सुपर सेट के साथ में होगी। ये मशीन हर जगह, हर जिम में होती है, हर जगह पर तो नहीं, हर किसी जिम में अवेलेबल होती है क्योंकि ये बेसिक मशीन है। देखिए इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है इसको, लेग एक्सटेंशन को। इसके हम 20 रिपीटेशंस करेंगे 3 सेट के साथ में, ठीक है। जब आप ऊपर लेके आ रहे हैं तो पूरा अच्छे से स्क्वीज करो अपनी नी से, या फिर ऐसे ही नहीं उठाना है, आपके मसल्स पे प्रेशर आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मसल्स पे प्रेशर डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स को, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ यहाँ पर बिना रेस्ट के हम इसके साथ सुपर सेट करेंगे। सुपर सेट में हम लंजेस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर पहला पहला सेट आप फ्री वेट के साथ में कर सकते हैं, कोई वेट नहीं, बॉडी वेट। एंड सेकेंड सेट में आप वेटेड ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपने ऊपर रॉड रख सकते हैं। जिस तरीके से आपने स्क्वाट्स किए थे नॉर्मल, वैसे ही आप ये लंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग्स के लिए। ये वाली लेग कर्ल, सीटेड लेग कर्ल, हर किसी जिम में अवेलेबल नहीं होती है, तो आपके यहाँ पर प्रोन लेग कर्ल होगी जिसमें आप उल्टे लेट कर हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करते हैं, तो वो भी चलेगी। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर लेग कर्ल करना है, चाहे आप प्रोन लेग कर्ल कर रहे हैं या फिर लेट कर अगर आप लेग कर्ल कर रहे हैं, तो भी आपको नीचे हर 5 रिपीटेशन पे होल्ड करना है। जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स को, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। जो मैं बात हर किसी वीडियो में बताता हूँ, हर किसी वर्कआउट में बताता हूँ कि होल्ड मसल पे प्रेशर जितना ज़्यादा आप डालेंगे, जितना ज़्यादा उसको टेंशन में डालेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। इसके भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं, एंड ये वाली एक्सरसाइज भी सुपर सेट के साथ में है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बिना किसी रेस्ट के हम सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे, जो हमारा सुपर सेट है। ये वीडियो में दखल अंदाजी करते हुए, हाँ, यहाँ पर हम करेंगे स्टिफ डेडलिफ्ट, जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए रहेंगी। इसमें कई बार लोग गलत करने लग जाते हैं, तो प्लीज इसमें फॉर्म का बहुत ध्यान देना, अदरवाइज आपके पूरा केवल लोअर बैक पे आएगा। यहाँ पर अपने लेग्स को आपको स्टिफ रखना है। देखिए तो मैं जब ये नीचे जा रहा हूँ ना, तो मेरे पूरा प्रेशर मेरे ग्लूट्स पर और हैमस्ट्रिंग्स पे आ रहा है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना प्रेशर डाल रहा है आपके हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स पर।
आपको बस इसको अच्छी फॉर्म से करना है, जितनी प्यारी फॉर्म उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा आपको। नीचे जाते वक्त अपने पूरे घुटने नहीं मोड़ने जो आप नॉर्मल डेडलिफ्ट में करते हैं, स्टिफ रखने आपको अपने पूरे लेग्स को। ये लाइन से डिफरेंट डिफरेंट कलर टी शर्ट जाते हुए इसके बाद आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज फॉर लेग्स, हमारे काव्स। मेरे यहाँ काव्स के लिए अलग से मशीन नहीं है जिम में, तो बस वही है, जुगाड़ बनानी पड़ती है। ध्यान रखना कि लेग प्रेसेस पे काव्स लगाते वक्त काफ़ी रिस्क रहता है, तो आपकी लेग प्रेसेस का जो पैर रखने की जगह है वो चिकनी ना हो। अगर चिकनी हो तो प्लीज़ अपने ये चिकने वाले या फिर कोई भी जूते हैं ऐसे जो स्लिप हो सकते हैं वो हटा देना। ध्यान रखना कि मशीन स्लिप ना हो वरना आपको लग जाएगी। मेरी ये बिल्कुल रबर की बनी हुई है जिस वजह से स्लिप नहीं होती है। देखिए फॉर्म में कैसी रख रहा हूँ कि इसको नीचे लेके आना है पूरा और ऊपर एक सेकंड के लिए होल्ड होल्ड, फिर नीचे पूरा स्ट्रेच होल्ड स्ट्रेच होल्ड। इस तरीके से आपको इसके 20-25 रिपीटेशंस करने हैं और इसके आपको 5 सेट करने हैं। बिल्कुल ऐसा लगने लग जाए कि आपके काव्स में किसी ने गोली मार दी है तभी मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा इसको ट्रेन करना चाहिए आपको। 25 से भी ऊपर लेके जा सकते हैं अगर आप ले जा पा रहे हैं तो, वेट बढ़ाते रह कीजिए। 25-30 रिपीटेशंस बहुत ईजीली आपके जाने चाहिए। हाँ देखिए ऐसा लगा कि गोली पड़ गई। इस तरीके ट्रेन करना है। आते हैं हमारे दूसरे मसल पर जो है ट्राइसेप्स। स्टार्ट करेंगे हम डंबल ओवरहेड से। इसमें आप हैवी वेट ले जा सकते हैं, इसलिए ही मैं इसको सबसे पहले एक्सरसाइज को करता हूँ। अभी आज के दिन तो मैं हैवी वेट नहीं ले जा पाऊँगा बिकॉज मेरे को इंजरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से पूरा डीप लेके जाना है और ऊपर ये फॉर्म रखनी है आपको। इसमें आपके पूरे ट्राइसेप्स पे आएगा। ध्यान रखना कि अगर आप ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे होंगे ना तो आपके शोल्डर पे आने लग जाएगा या फिर आपको पेन होने लगेगा शोल्डर और ट्रैप्स के साइड में, तो आप वेट कम कर लें। इसलिए वेट उतना ही उठाएं जिससे आपकी फॉर्म अच्छी रह पाए। बट हाँ यूजली लोगों का इस पर अच्छा वेट चला जाता है, इसलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको रखता हूँ जिससे मैं इस पर हैवी वेट ले जा पाऊँ। वर्कआउट के टाइम पर आप हमेशा म्यूज़िक सुना कीजिए, जो भी आपको पसंद होते हैं गाने जो आपको बूस्ट देते हैं, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके वर्कआउट के टाइम पर। इसके साथ बिना किसी रेस्ट के हम सुपर सेट में करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, डंबल स्कल क्रशर्स। यूजली लोग इसको बारबेल से करते हैं बट मैं इसको सुपर सेट में रख रहा हूँ। आप इसको बोथ हैंड भी कर सकते हैं, सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक को होल्ड किया एंड पहले इसके आप 10-15 रिपीटेशंस कर सकते हैं, फिर इसके 10-15 रिपीटेशंस कर सकते हैं। मैं हमेशा जो करता हूँ मैं दोनों बोथ हैंड करता हूँ, इसके 15-20 रिपीटेशंस करता हूँ आराम से, देन उसके बाद एक को होल्ड करके दूसरे से रिपीटेशंस मारता हूँ बाकी बचे हुए, फिर दूसरे वाले को होल्ड करके दूसरे वाले हाथ से मारता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर एक को होल्ड किया और इस तरीके से हम कर सकते हैं जब हमारे दोनों हाथ थक जाते हैं। इस तरीके से आप सुपर सेट में इसके एटलीस्ट 15-20 रिपीटेशंस कीजिए। यहां आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो है स्ट्रेट बार पुश डाउन। अपने हिसाब से वेट्स लगा लें इसमें। फॉर्म का ध्यान रखें, कई लोग केवल अपने जो बार है उसको ऊपर नीचे कर रहे होते हैं बट ट्राइसेप्स पे प्रेशर नहीं आ रहा होता है उनके। मेन अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं जब आप बार को, तो आपके ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है अच्छे से। आपके शोल्डर आपकी बॉडी मूव नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, केवल आपके फोर आर्म्स और केवल आपके ट्राइसेप्स पे फर्क आना चाहिए। फॉर्म बहुत मैटर करती है आपके वर्कआउट में, फॉर्म नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके बाद बिना किसी रेस्ट के सुपर सेट में करेंगे हम सुपर सेट में डंबल किकबैक। इसमें मतलब आधे से ज़्यादा लोग गलत ही करते हैं इसको। देखिए मैं किस तरीके से अपने हाथों को ऊपर ले गया हूँ और किस तरीके से अपने ट्राइसेप्स को स्क्वीज कर रहा हूँ। एज इट इज आपको फॉर्म का ध्यान रखना है, जितना अपने एल्बो को ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स पर प्रेशर आएगा। कई लोग क्या कर रहे होते हैं,
कि बस इस तरीके से अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकलता है इस एक्सरसाइज का, और ना ही इसका कोई सेंस निकलता है। केवल अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ट्रेन करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। ये होती है एक्चुअल में फॉर्म। इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पर आप किसी को बोल सकते हैं आपके पैरों पर प्लेट रखने के लिए, जैसे यहाँ पर ऋषभ ने मेरे पैर पर प्लेट रख दी है, एंड इसके आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं। ट्राइसेप्स में सारी एक्सरसाइज के आपको 15 टू 20 रिपीटेशंस करने हैं तीन सेट के साथ में। लेग्स में भी आपको 15 टू 20 रिपीटेशंस करने हैं हर किसी सेट में, केवल लेग्स में। काव्स में आपको 5 सेट करने हैं 25 टू 30 रिपीटेशंस के, अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज में आपको 3 सेट करने हैं 15 से 20 रिपीटेशंस के साथ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। यही वाली एक्सरसाइज में भी आपको वही 15 टू 20 रिपीटेशंस, एंड प्लेट हटाने के बाद आपको इसके डेथ सेट तक जाना है कि जब तक आप में ताकत है तब तक आप इसको परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से प्लेट हटाने के बाद जितने आपसे लग सकते हैं उतने आपको लगाने हैं, और इसके भी आपके 3 सेट रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा डे 3 का वर्कआउट ख़त्म होता है। आई होप ये सीरीज़ ने आपकी हेल्प करी होगी, ये पूरी वीडियोज़ ने आपकी हेल्प करी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एब्स को लेकर और कार्डियो को लेकर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इन वर्कआउट्स में फिट कर सकते हैं। आई होप मेरी ये सीरीज़ वीडियोज़ हेल्प कर रही होंगी आपको। ये वीडियोज़ को सेव कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मुझसे, दयाशानंद यूज़र नेम है, मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने का। इस वीडियो से रिलेटेड इसके अलावा फिटनेस को लेकर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लें, अदरवाइज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, लव यू ऑल, पीस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।